गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई नेम इज दलजीत सिंह एंड वेरी वार्म वेलकम ऑन माई ब्यूटिफुल चैनल दैट इज माँ सरस्वती संस्थान। एंड टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रॉब्लम्स ऑन एज, जिसको कि हिंदी में आयु संबंधित प्रश्न कहा जाता है। और ये कल हमने टाइप वन के क्वेश्चन करे थे, आज हम टाइप टू के क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो देखो स्टूडेंट्स, ये है पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमें बोल रखा है कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु की 9 गुना थी, तो रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो जो पहली लाइन अगर आप पढ़ोगे तो आपको इससे पता लगेगा कि इसमें रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना, तो इसका मतलब इसमें इसने कुछ नहीं बोला कि 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष बाद। इसका मतलब यहाँ पे जो आयु रहेगी वो वर्तमान आयु ही होगी और कोई दूसरी आयु नहीं होगी, ठीक है। तो वर्तमान आयु होगी, ठीक है। तो आप फ्लो चार्ट बनाओगे जरा फटाफट, तो ये यहाँ मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा क्वेश्चन। तो वर्तमान आयु दे रखी है, ठीक है। तो मानेंगे किसकी आयु पहले, हमें मान के चलना पड़ेगा। तो पुत्र की आयु मानेंगे, मैंने बताया था कि अगर दो बंदे एक बड़ा एक छोटा, तो आप छोटे बंदे की आयु मानोगे, ठीक है। तो ये आ गया रमेश और यहाँ पे आ गया राहुल। तो अगर हमने राहुल की एक्स मानी है तो रमेश की कितनी होगी, ये देखो 4 गुना दे रखी है। बोल रहा है कि जितनी राहुल की आयु है उसका 4 गुना करेंगे। राहुल की आयु एक्स है तो उसका 4 गुना करना है, मतलब 4 से गुना करना है। तो ये पिता की होगी 4x, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वाली लाइन पढ़ेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु की 9 गुना थी। अब हमें पहले 5 वर्ष जाना पड़ेगा, 5 वर्ष पूर्व यानी कि पीछे जाना पड़ेगा। 5 वर्ष पूर्व कहां से, जो हमारी वर्तमान आयु है उससे 5 वर्ष पूर्व, उससे 5 साल पीछे, ठीक है। तो अभी इसकी ये 4x है तो 5 साल पहले कितनी होगी, ठीक है। 5 साल सीधी से बात है माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगी 4x-5, ठीक है। तो ऐसे ही अगर राहुल की बात करूं तो ये यहाँ पे x है इसकी एज, तो 5 साल पहले कितनी होगी, x-5 ही होगी ना, ठीक है, क्लियर है। अब आगे क्या बोल रहा है, बोला कि 5 वर्ष बाद रमेश की आयु राहुल की आयु की 9 गुनी थी, ठीक है। तो ये रमेश की आयु रही, सॉरी ये रमेश की आयु आ गई 5 वर्ष पहले की जो आयु है, और ये राहुल की आयु आ गई, ठीक है। पर ये बराबर कब होंगे, जब हम जो राहुल की आयु है उसके साथ 9 गुना करेंगे तब ये दोनों आयु बराबर होगी, ठीक है। क्योंकि ये छोटा है राहुल, तो इसको पिता के बराबर आयु करने के लिए 9 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस ये बराबर हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 9x और ये 45, ठीक है। 9 में से 4 गए तो 5x, ठीक है। और इसको इधर लेके गए आप, ठीक है। तो ये बन गया 40, तो ये बन गया x बराबर 8 आ गया हमारा, ठीक है। x हमारा जब 8 आया तो पूछा क्या है इसने हमारे से, रमेश की वर्तमान आयु कितनी है। तो रमेश की ये वर्तमान वाला है और यहाँ पे रमेश की हमने आयु देखनी है, तो 4 गुना x, मतलब कि 4 गुना x की वैल्यू 8 थी, तो ये 32 वर्ष, ये है ऑप्शन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ। तो देखो स्टूडेंट्स, यह है क्वेश्चन नंबर 2, अगर इसको पढ़ेंगे तो ये बोला 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। तो 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु की 2 गुनी होगी, प्रत्येक की आयु ज्ञात करें, ठीक है। तो जब पहली लाइन को हम पढ़ेंगे तो ये कौन सी आयु दे रखी है उसने, 8 वर्ष पूर्व की आयु दे रखी है, यानी कि 8 ईयर बिफोर, 8 साल पहले की आयु दे रखी है। तो इसका मतलब जो कंडीशन रहेगी वो 8 साल पहले से स्टार्ट करी जाएगी, ठीक है। तो फटाफट से इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु, इसका मतलब जो पुत्र रहेगा जिसका नाम शेखर है उसकी आप आयु एक्स मानोगे, ठीक है। क्योंकि छोटे की आयु माननी है, अभी छोटे की मान के चलेंगे, ठीक है। तो आगे विशाल की जो उसका पिता है उसकी कितनी होगी, ये देखो 4 गुना दे रखा है ना, ठीक है। तो 4 गुना दे रखा, तो ये x है तो 4 से गुणा करोगे, x को आप 4 से गुणा करोगे तो 4 गुना x, मतलब 4x, ठीक है। तो विशाल की 4x आ गई, ठीक है, विशाल की 4x आ गई। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु, ठीक है, ये तो पूर्व की आ गई। अब क्या बोल रहा है, 8 वर्ष बाद विशाल की आयु,
तो इसका मतलब 8 वर्ष किससे, याद रखना वर्तमान से ही देखा जाएगा 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष पहले की बात करेगा तब भी वर्तमान से देखा जाएगा 8 वर्ष पहले, अगर 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है तब भी वर्तमान से नीचे की तरफ देखा जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमने 8 वर्ष बाद की निकालनी है, ये है ना बाद वाली कंडीशन, यहाँ पे आएगी 8 वर्ष बाद वाली कंडीशन, तो ये वर्तमान है और ये पहले वाली है जो जिसको पूर्व बोलते हैं, ठीक है। तो पहले आपको वर्तमान आयु पता होगी तभी तो आप बाद की निकालोगे ना, 8 वर्ष बाद की तो तभी निकलेगी, पहले वर्तमान तो निकालो, ठीक है। तो ये कौन सी थी, 8 वर्ष पहले की, तो जब नीचे को आओगे तो 4x+8 होगा, ठीक है, 8 साल और जुड़ेंगे, ठीक है, और यहां पे भी x+8 होगा, क्लियर है कि नहीं। अब जब यहां से आप और नीचे को आओगे तो 8 साल और जुड़ेंगे ना, ये बोल रखा है इसने, ठीक है, नीचे को आओगे तो 8 8 जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4x+16 और ये कितना हो जाएगा x+16, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, तो इनकी आयु दुगनी हो जाती है, यानी कि जो पिता है, पिता की आयु कितनी है 4x+16 और पुत्र, पुत्र की आयु कितनी है x+16। अब दोनों को बराबर करने के लिए जो बेटा है वो छोटा है उम्र में, उसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, उसकी एज बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। बढ़ाने का मतलब गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे, वो उसने हमें दे रखा है, ठीक है, दुगनी, तो यहाँ पे मतलब डबल करना पड़ेगा तभी बराबर होगी ना दोनों की एज। तो यहां से निकालो 4x+16 और ये बन गया 2x+32 हो जाएगा, ठीक है, ये इधर आया तो 2x और 32 में से 16 गए तो कितने 16 और x हमारा आ गया 8, क्लियर है कि नहीं। तो x हमारा 8 आ गया, उसके बाद क्या पूछा उसने, प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो वर्तमान आयु तो ये है दोनों की, ठीक है, तो यहां से हमने निकालना है दोनों की वर्तमान आयु लेंगे, तो इसको मैं साफ कर देता हूं, तो ये आ जाएगा हमारा x की वैल्यू 8 आ रखी है हमारे पास, 4 8 32, 32 में 8 जोड़े 40, और यहां पे भी x की वैल्यू 8 8+8 16, ठीक है, 40 और 16 आंसर है, ठीक है, 40 और 16 ये वाला ऑप्शन, ठीक है, आई थिंक क्लियर है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। ये तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, फटाफट से पढ़ते हैं। ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष दे रखा है, मतलब दो बंदे हैं उनकी आयु का अंतर हमें दे रखा है 16 वर्ष, ठीक है, पर इसमें ये नहीं बता रखा कि कौन सी आयु का अंतर, ऐसा कुछ नहीं लिखा कि 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष बाद, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी, ठीक है, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखो ये जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, मैंने आपको बताया था कि आयु का अंतर चाहे 5 साल पहले का हो, चाहे 5 साल बाद का हो, चाहे वर्तमान आयु का अंतर हो, वो सेम ही रहेगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें पहले आयु पता होगी ए और बी की, तभी तो हम अंतर निकाल के 16 के बराबर करेंगे ना, ठीक है, तभी तो हम बोल सकते हैं कि वो 16 के बराबर है, पर हमें यहाँ पे आयु नहीं पता, तो इसका मतलब पहले हमें आयु निकालनी पड़ेगी, तो ये दूसरी वाली लाइन से स्टार्ट होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाता हूं मैं, ये बोल रहा है कि 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी, मतलब कि 6 वर्ष पहले, वर्तमान से 6 साल पहले, ठीक है। तो पहले या पूर्व के लिए हमें यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कि ऊपर आया है तो 6 साल का फर्क है, मतलब यहां से यहां का, ठीक है। तो ए की आयु बी की आयु की तिगुनी थी, जो ए है और एक बी है, तो ए की आयु बी की आयु की तिगुनी है। अब इसमें हमें नहीं पता ए बड़ा है कि बी बड़ा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये नहीं हम कह सकते, पर इसने ये दे रखा है कि ए की आयु उतनी है जितनी बी की आयु है, उसका 3 गुना करने पे। तो मान लो बी की हमें, यानी कि बड़ा, यहां से हमें ये पता लग रहा है कि बी छोटा है, तो इसकी आयु को अगर हम 3 गुना करेंगे तो ए की निकलेगी, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करें, ठीक है। तो वर्तमान आयु तो आप तब ज्ञात करोगे पहले यहां से जब नीचे आएगा, ठीक है। तो ये 6 साल पहले का है, तो इसका मतलब 6 साल बाद की बात करें तो 3x+6 होगा ना, बाद में 6 जुड़ेंगे और ये भी x+6 होगा, तो ये वर्तमान आयु आ गई दोनों की। अच्छा अब देखो इसने बोल रखा है कि डिफरेंस दोनों का, दोनों आयुओं का अंतर इसने दे रखा है 16 वर्ष। अब देखो मैंने बोला था आपको, जो मैंने आपको बताया था, अंतर किसी भी आयु का हो, चाहे वर्तमान आयु का हो, चाहे
चाहे पहले की आयु का हो चाहे बाद की आयु का, वो सेम रहेगा। तो आप इसको इसमें से माइनस करोगे, बड़े में बड़े को छोटे में से माइनस करोगे तो बराबर ही रहेगा, चाहे इसको इसमें से माइनस करोगे चाहे इसको इसमें से माइनस करोगे तो वो 16 के बराबर ही रहेगा। ये देखो दोनों तरीकों से करके बता सकता हूँ आपको, तो ये आ जाएगा 16। बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, 3x है ना, ये बड़ा है और ये 1x है, तो ये 2x आ गया, 2x बराबर है 16 और ये x बराबर है कितना आ रहा, 8 आ रहा है, x बराबर है 8 आ रहा है, ठीक है। तो जब x हमारा 8 आ रहा है तो पूछा उसने वर्तमान आयु है, तो मतलब x की वैल्यू इसमें पुट करोगे, x कितना आ रखा है हमारा 8, तो ये आ गया 3×8=24, 24 से 30, ठीक है। और ये कितना आ रखा है 8+6 कितना आ गया 14, ठीक है, 30, 14 यानी 14, 30 एक ही बात है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, और इसको दूसरे तरीके से भी आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको इसमें से माइनस करोगे तब भी आपका x 8 ही आएगा। ये देखो 3x+6 - x+6, ठीक है, तो ये देखो 3x+6 - x - 6, ठीक है, तो ये 2x हो गया और प्लस का यहां पे लिख देता हूँ, ये आ गया 2x, 3x में से x गया तो x, और 6 प्लस का एक माइनस का तो ये कट गया, बराबर है कितना 16 दे रखा है, तो ये देखो यहाँ पे भी x हमारा 8 ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने प्रूव कर दिया, जो मैंने बोला था वो प्रूव कर दिया कि आयु का अंतर किसी भी समय का हो वो सेम ही रहेगा। आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चौथा क्वेश्चन है, रीना तथा उसकी माता की आयु का योग हमें दे रखा है 49 वर्ष, तो 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी, तो रीना की माता की आयु ज्ञात करें, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो जहां पे क्या बोला है कि दो बंदे हैं, यानी एक रीना है और एक उसकी माता है, उनकी आयुओं का योग दे रखा है हमें, ठीक है, उनकी आयु का योग दे रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों में से किसी एक की आयु तो हमें माननी पड़ेगी, एक की आयु को मान लो रीना की आयु को मैं एक्स मान लेता हूँ, रीना की आयु मैंने एक्स मान ली, और माता की आयु को मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ माता की आयु, दोनों का जो कितना दे रखा है हमें 45 वर्ष दे रखा है, ठीक है। अगर मैं रीना की तो हमने एक्स मान रखी है, अगर मैंने माता की निकालनी है तो ये एक्स दूसरी साइड माइनस हो जाएगा, तो माता की आयु 45 वर्ष माइनस एक्स, ठीक है, इतना हो जाएगा, 45 में से एक्स निकाल देंगे, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो मानेंगे तो हम ऐसे, अब हमें ये पता लग गया कि रीना की कैसे माननी है और माता की कैसे माननी, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, 7 वर्ष पूर्व ठीक है, अब देखो जब ये मानना है उसके बाद बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी, इसका मतलब इसमें कुछ भी पूर्व और बाद की बात नहीं करी, तो इसका मतलब ये जो आयु का योग है ये हो ना हो वर्तमान आयु का योग है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे मैं लिखूंगा रीना वर्तमान की जगह पे, ठीक है, और यहां पे माता, रीना की आयु मैंने मान ली, ठीक है, एक्स माना हुआ है, तो माता की कितनी बन रही थी 45 - x, ठीक है, तो ये बोला 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी, तो अब हमें वर्तमान से 7 साल पीछे जाना पड़ेगा ना, पूर्व दे रखा है 7 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान से पीछे जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब 7 साल पहले की बात करूं, अभी मेरी अभी रीना की एज एक्स है, तो 7 साल पहले कितनी थी, एक्स माइनस 7 ही होगा ना, ठीक है, अभी इसकी 45 - x है, तो 7 साल पहले कितनी होगी बताइए, ये देखो ठीक है, तो यहां पे ये थोड़ा सा गलती से लिखा गया, ये 45 नहीं था, ये 49 दे रखा था, पता नहीं कैसे मैंने 45 लिख लिया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 49 - x हो जाएगा, ठीक है। तो रीना की अगर हमने x मानी है तो माता की 49 - x होगी, ठीक है जी, 49 - x होगी माता की, तो 7 साल पहले की, ये तो वर्तमान एज होगी ना, तो 7 साल पहले की बात करूं, 7 साल पहले की, तो ये ऐसे लिखूंगा 49 - x - 7, 7 साल माइनस करेंगे ना, तो ये आ जाएगी 42 - x, ठीक है जी, तो ये आ जाती है माता की। अब देखो ये आ गया, उसके बाद इसने इस पे कंडीशन दे रखी थी कि 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी,
ठीक है, तो जो माता की आयु है वो जो रीना की आयु से 4 गुना है, तो मतलब कि रीना छोटी है, बेटी है उसकी, तो ये 4 गुना, उसको बड़ा करने के लिए हमें 4 से गुना करना पड़ेगा ना, तभी दोनों की एज बराबर होगी। तो ये आ जाएगा 42 - x = 4 × x और 4 × 7 = 28। तो यहां से ये बन जाएगा 5x और ये 42, ये 828 इधर आएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 70 बन जाएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा x हमारा 14 आ जाएगा, x x अगर हमारा 14 आ गया तो आप यहाँ पे देखोगे हमने निकालना क्या है, रीना की माता की आयु निकालनी है। तो रीना की माता की आयु ये है 49 - 14 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 9 से 4 के तो 5, 4 में से 1 के 3, 35 साल। ठीक है, ये है रीना की माता की आयु। ठीक है, आई होप आपको या ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए, आई थिंक आपको इतने क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो कल हम नेक्स्ट वाला टॉपिक करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आप सब्सक्राइब बटन के पास एक घंटी का बटन है उसको दबाना ना भूलें, ठीक है, ताकि आपको वीडियो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको टाइमली आपके तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक यू।